VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल नेहरू एनक्लेव आगरा पर CBSE बास्केटबॉल नेशनल 2024-25 की तीसरे दिन प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों ने अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर गणमान्य अतिथि श्रीमती ममता टपलू श्याम भोजवानी समाजवादी पार्टी, श्रीमती अंजू डेनियल डायरेक्टर सेंट मार्क स्कूल, कृष्ण शाकिया डायरेक्टर एंजल स्कूल उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी टीम भावना तथा विद्यालय के प्रबंधक श्री विनोद बंसल, प्रधानाचार्य ममता दुबे, विशाल बंसल, सभी टीमों, उनके कोच व रेफरीज का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि जागृत करना वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जॉन मिल्टन परिवार में आज एक बहुत महाकुंभ का सा मेला है बास्केटबॉल का, जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी आकर यहाँ भाग ले रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि जो खिलाड़ी यहाँ से खेल कर जाएंगे या जो जीत कर जाएंगे या जो हार कर जाएंगे, कम से कम उनमें एक देश के प्रति एक राष्ट्रीय भावना है। सभी बच्चे यहाँ अपने भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई जॉन मिल्टन परिवार को जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है और इसकी पूरे देश में ही चर्चा है, क्योंकि ये मिलना, नेशनल मिलना भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, जिसके लिए ये जॉन मिल्टन परिवार बहुत बड़ा हकदार है। और पूरा आगरा इस बात को जानता है कि बास्केटबॉल के क्षेत्र में जॉन मिल्टन ने जो कार्य किया है वो अभी तक कोई विद्यालय कर नहीं पाया। आज विनोद बंसल जी और मोहित बंसल जी के आगरे पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में। आज यहाँ टूर्नामेंट बच्चों का चल रहा है और ये काफ़ी कंट्रीज़ के यहाँ बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और इस शुभ अवसर पर मैं इस स्कूल को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये स्कूल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अभी इनकी प्रेजेंट में 3 ब्रांचेज हैं और भगवान से प्रार्थना करूँगी आगे भी इनकी ब्रांचेज ऐसे ही बढ़ें, 3 से इनकी 5 हो, 6 हो, ब्रांचेज बढ़ती जाए। सभी को शुभकामनाएं। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल की मान्यता दिन पे दिन आसमान को छू रही है। निश्चित ही कर्म होते हैं और सेवा भाव, जिसके मन में सेवा भाव आए, अब हम ही खुद देख रहे हैं कि 2006 से ये बास्केटबॉल का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं और अब ये जो टूर्नामेंट हो रहा है 14 तारीख से लेके और 20 तारीख का करीब से 1000 के तकरीबन बच्चे जो बाहर से आए हुए हैं, निश्चित ही सराहनीय काम है। और हम पूरी जितनी भी मिल्टन, जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल की जो टीम है उसको शुभकामनाएं देते हैं, उन्नति और तरक्की करें। जो सद्भावना और प्यार इनके मन में बच्चों के लिए, बच्चों के परिवार के लिए है कि किसी भी तरीके से बच्चे यहाँ से शिक्षा लेके जाएं और खेल में जिस तरीके से आप देखो कि कहीं कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए हैं, तो ये सराहनीय काम है। पैसा कमाना अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी का हाथ पकड़ के ऊँचाइयों तक पहुँचाना ये एक अलग बात होती है। मैं मोहित बंसल जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल से, और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में CBSE बास्केटबॉल नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है और वो भी 14 से है और लगभग मैं आपको बता दूं कि 75 टीमें ओवरऑल आई हैं, जिसमें कि कम से कम 8 से 9 टीमें जो है वो गल्फ कंट्रीज़ की हैं और बाकी जो टीमें हैं वो अपनी इंडिया से हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमें CBSE ने एक जो हमें एक मौका दिया है, क्योंकि सारी चीज़ों को देखते हुए अब मौका हमें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है और ये चौथी बार मौका हमें CBSE ने दिया है, क्योंकि इससे पहले 2006 में हुआ हमारा नेशनल टूर्नामेंट, फिर 2013 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, फिर 2024 में हुआ। तो मैं सभी आए हुए खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूँ जॉन मिल्टन परिवार की ओर से, क्योंकि बहुत खुशी होती है और हर तरह की जो उनकी समस्या है या उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से हम सोचते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करें।